जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जबलपुर में एक बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए शंकराचार्य ने कहा कि देश वर्तमान समय में गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो राजनेता समरसता के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। समरसता को लेकर शंकराचार्य ने कहा है कि दलित के नाम पर यह कानून बना दिया गया है कि अगर जाति से संबोधित किया जाता है तो बिना विचार किए ही आपको 6 माह की सजा दे दी जाएगी और इसके लिए आपको समय भी नहीं मिलेगा कि आप अपना बचाव कर सकें। वहीं राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश के लोग एकजुट हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाया जाएगा। अब जबकि सरकार को अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है, तो जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में बनाई गई है, अब सरकार सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम की भी मूर्ति बनाने जा रही है। स्वामी शंकराचार्य ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जितना पैसा सरकार भगवान राम की मूर्ति बनाने में खर्च करेगी, उतने पैसे में तो अयोध्या में राम मंदिर ही बन जाएगा। जगतगुरु शंकराचार्य ने भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। इतने पैसे में अगर राम मंदिर बन सकता है तो मूर्ति की जरूरत ही क्या है। शंकराचार्य ने राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से 11वीं शताब्दी में चाणक्य नरेशों ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण किया जाना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान पर भी स्वामी शंकराचार्य ने अपनी आपत्ति जताई है, जिसमें कि योगी ने हनुमान को दलित बताया था। शंकराचार्य ने कहा है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी थी क्या उस समय हनुमान जी थे, पर अब भाजपा हनुमान जी का नाम लेकर अपनी पार्टी का नेता उन्हें बना रही है। वहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर कभी भी बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, उस स्थान पर पहले खंभे और मंगल कलश बना हुआ था, पर मस्जिद का नाम भाजपा और बीएसपी वालों ने कुछ इस तरह से नारा देकर बनाया कि तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, सवाल को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि मैं इस समय कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद ही मैं मध्य प्रदेश में आया हूं। अंत में आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले से ही घोषित है कि संघ के किसी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते। देश में समरसता के नाम पर आप देखिए एक कानून बना दिया गया कि यदि आपने किसी दलित को उसकी जाति के नाम से संबोधित कर दिया तो बिना विचारे आपको 6 महीने की सजा हो जाएगी। आपको उसके लिए मौका ही नहीं मिलेगा कि आपने कहा है कि नहीं कहा है, किस उद्देश्य से कहा है। और आप ये चाहते हैं कि इसके द्वारा हम जिसको दलित कह रहे हैं उससे और सवर्ण के साथ समरसता लिया है, तो जिसको बिना कारण के 6 महीने आप जेल भेज देंगे उससे समरसता कैसे होगी, उनका तो विद्वेष ही बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति हो रही है। हम लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने और इसके लिए बहुत प्रयत्न चल रहा था, सारे भारत की जनता इसके लिए इच्छुक थी। अब उसके संबंध में हमें आश्वासन दिया गया कि हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे। आपने बार बार सुना होगा कि भाजपा ने उसकी सहायक संस्थाओं ने बार बार कहा कि हमारे एजेंडे में राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज राम मंदिर की जगह राम का एक स्टैच्यू बनाने की बात हो रही है। राम मंदिर की बात कहाँ हो रही है, अयोध्या में हो रही है, सारे भारत में हो रही है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है, जैसे वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू नर्मदा के किनारे बांध जहाँ पर है सरदार बांध, वहाँ पर 188 मीटर ऊंचा एक पितरा बनाया जा रहा है, सरयू के किनारे 188 फुट ऊंचा, वजह से भी ऊंचा रामचंद्र जी का पितरा बना दिया जाएगा।
तो क्या हम लोगों की यही मांग थी? अगला बना दिया जाए, आप समझिए 3,000 करोड़ रुपया उस सेतु बनाने में लगा, और रामचंद्र जी का जो पुतला बनेगा उससे भी उसमें लगेगा। हम लोग चाहते थे कि राम जन्मभूमि में, जैसा कि अंकोर वाट में 11वीं शताब्दी में चाणक्य के नरेशों ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उस तरह का निर्माण राम जन्मभूमि में कराया जाए। जब पुतले में ही सरकार जनता का रुपया खर्च कर देगी, भारतीय जनता पार्टी थी और क्या अनुसूचित जाति के हनुमान जी नेता थे? वो कहते हैं कि हनुमान जी एक दलित थे। आप सोचिए, दलित थे हनुमान जी, आप कैसे कह सकते हैं? पहले तो दलित शब्द जो है हमारे यहाँ था ही नहीं, ये तो महात्मा गांधी ने हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन शब्द से पुकारा, उस पर इतराज करके मायावती ने उनको दलित देना शुरू किया। तो भाजपा का तो दलित शब्द है ही नहीं, आप भू शब्द लेकर हनुमान जी को दलित कह रहे हैं और फिर उसको अपनी पार्टी का नेता बता रहे हैं, और वो त्रेता युग में, त्रेता युग में तुम्हारी पार्टी थी। आप अपेक्षा करते हैं कि राम मंदिर बने और इसके लिए सरकार से हमारी जो भारत ये आरएसएस सरकार ने कहा और लोगों ने कहा भाई अध्यादेश लाया जाए। अध्यादेश लाने का मतलब जानते हैं आप क्या है? अध्यादेश का मतलब ये है कि ये सरकार, ये जमीन किसी और की है, सरकार उसको अध्यादेश से ग्रहण करने जा रही है। लेकिन ये आपको विदित होना चाहिए कि नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में राम जन्मभूमि और उसके आसपास की 67 एकड़ जमीन पहले से ही अधिग्रहित हो चुकी है और वो सरकारी संपत्ति। राम जन्मभूमि में जो ये कहा जाता था कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ तोड़ने के पहले 14 कसौटी के खम्भे थे, मंगल कलश बना हुआ था, हनुमान जी का चित्र था, बजू का कुआ नहीं था और अजान रोलने की मीनार नहीं थी, मस्जिद का कोई चिन्ह चक्र नहीं था। इन्हीं लोगों ने, जो भाजपा के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, इन्होंने नारा लगाया कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ भावर का, और कार सेवकों को ले जाके उसको तोड़वा दिया। उसके तोड़ने से ये संदेश गया कि यहाँ पर मस्जिद रही होगी तभी हिंदुओं ने तोड़ा है। अब इसी तरह से जब अधिग्रहण करेंगे तो भी ये होगा कि मुसलमानों के यहाँ कुछ था इसलिए अधिग्रहण हो रहा है, बीमा का अतिक्रमण नहीं करते। और इसलिए आप देखिए, चुनाव के बाद हमने मध्य प्रदेश में पैर रखा है। ऐसा है कि जहाँ तक हमने सुना है कि ये पहले से ही घोषित है कि सरकारी ऑफिसों में किसी संस्था का कार्य नहीं होगा, लेकिन उसको हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा।